डीएलएफ के कैपिटल ग्रीन प्रोजेक्ट के पोजेशन के लिए बायर्स ने उनके कॉरपोरेट ऑफिस में प्रदर्शन किया। इसी मुद्दे पर हमारे रिपोर्टर गौरव खोसला ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन्होंने बायर्स का दुख सुना। आइए जानते हैं कि आखिर बिल्डर ने बायर्स से क्या क्या वादे किए थे और फिलहाल बायर्स किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। 2009 में दिल्ली के मोती नगर ने डीएलएफ ने कैपिटल ग्रीन्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और डीएलएफ ने ये दावा किया था कि महज 2 दिन में ये प्रोजेक्ट पूरा बिक चुका है। इसकी वजह यही थी कि डीएलएफ ने समय पर पोजेशन देने की बात की थी और आज लगभग 6 से 7 साल बीत चुके हैं, अभी तक पोजेशन नहीं मिला और इसी वजह से आज डीएलएफ के जो बायर्स हैं वो उनके कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम थी और कब शुरू हुई। मैम, आपसे जानना चाहता हूँ कि कब प्रॉब्लम शुरू हुई और अभी की क्या स्थिति है। सो प्रॉब्लम बहुत सहज है। 2009 में एक सपना बुना था, 33 महीने में डिलीवरी हो जाएगी, एक एक दिन करके दिन बिताया गया, बहुत बढ़िया सपना था। और इकलौती बच्ची हूँ मैं अपने बुजुर्ग पेरेंट्स की, दे आर बोथ 80+। ग्राउंड फ्लोर का अपार्टमेंट इसलिए बुक किया कि उनके साथ बहुत अच्छा जीवन बिताया जाए, लेकिन कहीं होप नज़र नहीं आती, तारीख पे तारीख बस पड़ती जाती है, होप नहीं है। यानी यहाँ पर ये बात साफ है कि बिल्डर तारीख पे तारीख दे रहा है लेकिन अभी तक जो इन्होंने सपना संजोया था अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। मैम, मुझे आपसे जानना चाहूँगा कि क्या प्रॉब्लम थी और अभी बिल्डर क्या कह रहा है, आपने क्या सोच कर कर लिया? ऐसा है, हमारी परेशानियों का कोई अंत नहीं होता दिख रहा। EMI भर रहे हैं, किराया भर रहे हैं, किराए के घर से एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं। बिल्डर बोलता है इस दिवाली देंगे, इस बैसाखी देंगे, अभी बैसाखी की कमिटमेंट थी, बैसाखी पार्टी करेंगे, OC मिल जाएगा, और अभी तक हमें कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि घर कब मिलेगा। छोटे बच्चे हैं, स्कूल एडमिशन करानी थी, 4 साल की बिटिया है मेरी, नेबरहुड में पता नहीं है मेरे पास एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने का। और यानी यहाँ पर ये साफ है कि जो सपना संजोया था और बच्चों को लेकर अपने परिवार को लेकर हालात अभी बद से बदतर हो चुके हैं। मैम, आप बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम? जी, हमारे भी यही परेशानी है जो सबकी परेशानी है, जिसकी वजह से आज हम सब सड़कों पे उतरे हुए हैं। 4 बार ये प्रोटेस्ट हो चुका है। सबसे बड़ी आज मेरे को सरकार से ये रिक्वेस्ट करनी है, क्या आम पब्लिक की वो यही हेल्प कर सकती है? क्या हम लोगों की कोई आवाज़ नहीं सुनी जाएगी? DLF तो अंदर बैठा है ऑफिस में, कोई उनका ऑफिसर बाहर निकल के आने के लिए तैयार नहीं है। क्या आम जनता इसीलिए सरकार को चुन के लाती है? मेरे सिर्फ सरकार से इस समय ये प्रश्न है, मीडिया के थ्रू हम लोग ये मैसेज सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि क्या वो हमें कोई हेल्प नहीं करेगी? यानी यहाँ पर सरकार को चताया जा रहा है कि सरकार आगे आए और हमारे इन जो बायर्स हैं इनकी आवाज़ सुने। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या मुश्किल है? मुश्किल सेम है सबकी। हम लोग अपना घर बुक कराते हैं वहाँ रहने के लिए कि बच्चों के साथ वहाँ रहेंगे, इंजॉय करेंगे। जब ये बुक कराया था, मेरा बेटा सिर्फ 5th में पढ़ता था, आज वो 12th में है। मुझे नहीं मालूम वो उस घर में रहेगा, क्योंकि 12th के बाद वो बच्चे हमेशा हॉस्टल में या कहीं भी बाहर जाके पढ़ना पड़ता है, हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता। तो मुझे नहीं लगता मैं अपने बच्चों के साथ उस घर में रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगी। हम लोग किराया दे रहे हैं, EMI दे रहे हैं, लोन की किस्त चुका रहे हैं, हमें नहीं मालूम हम कैसे ये सब कर रहे हैं, हमें ही मालूम है ये सब। यानी यहाँ पर ये है, EMI जा रही है, रेंट जा रहा है, इनको ये सपना है कि कब ये अपने बच्चों के साथ घर में रहेंगे, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। गौरव खोसला, जी मीडिया। ये तो बात हुई DLF की। आइए अब आपको लेकर चलते हैं गुरुग्राम सेक्टर 103 में, जहां AN बिल्डवेल ने अपने लुभावने विज्ञापन से बायर्स को आकर्षित किया। बिल्डर ने 3 साल में पोजेशन देने का वादा किया था, लेकिन हालात ये हैं कि पिछले 2 सालों से कंस्ट्रक्शन का काम ही रुका हुआ है। देखिए रामेश नकवी की ये खास रिपोर्ट। तीन साल में मिलेगा पोजेशन, प्राइम लोकेशन पर बनेगा प्रोजेक्ट, बिल्डर ने किया था वादा, 500 बायर्स के साथ धोखा। जी हां, हर बिल्डर की तरह AN बिल्डविल ने भी वक्त रहते पोजेशन देने का वादा किया, पर वादे के नाम पर AN बिल्डविल के बायर्स को करना पड़ा तो सिर्फ इंतजार। यह कहानी उन 500 होम बायर्स की है जिनको फ्लैट देने के नाम पर ठगा गया।
साल 2011 में एएन बेल्टवेल और स्पायर मिलेनियम नाम की कंपनी ने मिलकर स्पायरबोर्ड नाम का प्रोजेक्ट गुरुग्राम के सेक्टर 103 में द्वारका एक्सप्रेसवे पर लॉन्च किया। साल 2014 और 15 में इस प्रोजेक्ट का पजेशन देने का वादा किया गया था, पर बायस की शिकायत है कि 2 साल से कंस्ट्रक्शन का काम भी रुका हुआ है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस स्पायरबोर्ड प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन के नाम पर कितना काम हुआ है। इस वक्त मैं गुड़गांव के सेक्टर 103 में एएन बिल्डवेल प्रोजेक्ट के बाहर खड़ा हूं, जो कि साल 2011 में लॉन्च किया गया था और साल 2014 में इसका पजेशन देने का वादा किया था। लेकिन ये प्रोजेक्ट 3 कंपनियों के कलेबरेशन से बनाया गया था, जिसमें स्पेयरवुड, एफडीआई और एएन बिल्डवेल नाम की कंपनी जो थी, उन्होंने कलेबरेशन से ये प्रोजेक्ट बनाया था। और आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के नाम पर अभी तक यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और कंस्ट्रक्शन अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है और पिछले 2 साल से कंस्ट्रक्शन का काम भी रोका हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको कि कंस्ट्रक्शन का पूरा सूरत हाल क्या है। आइए मेरे साथ। जैसा कि हमने आपको कंस्ट्रक्शन का सूरत हाल दिखाया, अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ का असल कंस्ट्रक्शन का सूरत हाल क्या है। पिछले 1 साल से यहाँ पे पानी जो है वो प्रोजेक्ट में खड़ा हुआ है, 4-5 फीट गहरा पानी है, जो कि बिल्डिंग्स जो है वो खराब हो रही हैं। बायर्स को डर है कि कहीं उनका प्रोजेक्ट जितना बना है वो ना कहीं ढह जाए।